गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मंजरीज वर्ल्ड। और जो है मैं अभी रेडी हो चुकी हूँ, पूजा वगैरह क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है। अभी मैं नीचे उतर रही हूँ बिकॉज आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, मम्मी की आईज का अपॉइंटमेंट लेने जाना है। तो आई हैव टू गो एंड चेक कि वहाँ पे क्या शेड्यूल है और स्केड्यूल वगैरह सब पता करने जाना है। तो मैं जा रही हूँ, फिर मैं उनको शायद कल लेके जाऊँगी। सो आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। और आप देखो इतनी ज़्यादा धूप है, बहुत धूप है आज, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और गर्मी बहुत है। सो सी यू गाइस इन लिटिल व्हाइल। सो मैं अब दोस्तों आ चुकी हूँ इंक्वायरी लेके, और जो है अब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो नाउ आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। सो दिस पाव भाजी, सो आई एम गोइंग टू ईट पाव भाजी। कल फास्ट था तो इसलिए मम्मी ने ये रख दिया था, तो अभी इसको रीफ्राई करके मुझे दिया है मम्मी ने। अभी मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, खाना थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं पाव भाजी लेकर आ चुकी हूँ और बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। 11 बज चुके हैं और मैं सुबह से बिज़ी थी, तो देखो मैं खा रही हूँ। और आप सब भी आ जाओ दोस्तों, आप भी मेरे साथ ज्वाइन करो, आप भी पाव भाजी का टेस्ट लीजिए। तो ज्वाइन मी फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद मैंने खा लिया पाव भाजी। सो डन विथ माई वर्कआउट। तो आप मम्मी को देख सकते हो आप, मम्मी मेरी वहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए उनका फेवरेट लड्डू बना रही हैं उनका फेवरेट लड्डू तो वो लड्डू बना के मम्मी स्टॉक में रख देती हैं, और उसके बाद बाल भोग में लगता है उनका लड्डू गोपाल का भोग। सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले लड्डू ही खाएंगे, फिर तो उनका तो इन्जॉय है, तो इसका मतलब वो बहुत खुश हैं। तो अब मैंने फाइनली थक हार के मैंने वर्कआउट जो है पूरा कर लिया है, तो अब मैं नहाने जाऊँगी। और दोस्तों मैंने मतलब कितने दिनों से वर्कआउट नहीं किया है, सो सकता है ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ ना, मेरा फेस इतना भोपला जैसा हो गया, एकदम कद्दू जैसा मुझे खुद फील हो रहा है। तो मेरा हाथ बहुत ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, 5 किलो वज़न बढ़ गया मेरा इन किन दिनों में। लाइक 1 वीक मैंने शायद वर्कआउट की नहीं थी, टू वीक से मैंने कंटिन्यू वर्कआउट कर ही नहीं पा रही हूँ। और आप मेरे आँखों में देख सकते हो कि मेरी आईज़ जो है बहुत टायर्ड लग रहा है, मैं खुद ही देख पा रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ अंदर से। पर एनी हाउ अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी, मे बी लंच के टाइम में मिलूँगी या फिर लंच के बाद मिलूँगी। मैं नहा चुकी हूँ और अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, मतलब फ्रेश लग रहा है। अब आँखें मेरी वैसे नहीं लग रही थी पहले, जैसे लग रही थी ना टायर्ड और स्लीपी, अब नहीं लग रहा। तो अब जो है मैं थोड़ा सा सीरम और क्रीम लगाऊँगी, जस्ट नहा के आई हूँ जस्ट थी। उसके बाद जो है फिर खाना तो मैं खाऊंगी नहीं, क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा हैवी 11 बजे हुआ था, तो ब्रेकफास्ट जो है मेरा हैवी हुआ था, आपको दिखाया ही था। और कल हेयर वॉश करूंगी उससे आंवला रीठा और शिकाकाई पाउडर से, उसके बाद जो है फिर कुछ नहीं। तो अभी थोड़ा सा रूम थोड़ा मैसी है, अभी ये कपड़े जो है मुझे फोल्ड करके अलमारी में डालने हैं, रखने हैं, सेट करने हैं। तो मैं क्रीम लगाने के बाद सबसे पहला काम यही करूँगी, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगी या फिर शाम को मिलूँगी। और मेरे फेवरेट फोटो मेरे फेवरेट लव कपल राधा कृष्णा तो आपको मिलती हूँ मैं अभी शाम को या फिर थोड़ी देर में, आपसे मिलती हूँ मैं कल। गुड नाइट एंड जय श्री राधे फ्रॉम वृंदावन। अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, सब पॉजिटिव सोचना, और जो है बस आप लोगों को प्यार, सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, वृंदावन की तरफ से बहुत सारा प्यार। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।